ओके बच्चों, कल का प्लान फिर फाइनल है ना? जी। कल छुट्टी का दिन है और हम सब सुबह सुबह ही मैच खेलने आ जाएंगे। पहले मैच खेलेंगे और फिर जो टीम हारेगी वो सबको पार्टी देगी। मेरी तरफ से तो पक्का प्लान है। मेरी तरफ से भी पक्का। मेरे से भी पक्का, लेकिन क्या अब्दुल रहमान, प्लीज ये मत कहना कि कल आप मैच खेलने नहीं आओगे। हम पूरे हफ्ते से कल के दिन की प्लानिंग कर रहे हैं। अब कुछ बोलो भी अब्दुल रहमान, क्या सोच रहे हो? अब्दुल रहमान, क्या बात है अब्दुल रहमान, आप किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। अच्छा अब्दुल रहमान, बताओ तो सही, आप सुबह आओगे ना? नहीं। Oh, no. नहीं? मुझे नहीं पता। नहीं, क्या मतलब पता नहीं, हमें सही बताओ। जल्दी बताओ अब्दुल रहमान, शाम हो रही है, हमने घर भी जाना है। ओके, मैं आऊंगा कल सुबह। अब्दुल रहमान, अगर आप सुबह ना आए ना तो हम आपके घर आके आपको लेने आएंगे। हाँ ये सही है, हम आपके घर आ जाएंगे आपको लेने। क्या हो गया अब्दुल रहमान, आप बार बार क्या सोचने लग जाते हो? क्या हो गया अब्दुल रहमान आपको? वो मैंने क्या कहा था कि मुझे नहीं लेकर आना, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि अगर आप आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हैं? अच्छा नहीं लगेगा, बस आपके बात के समझ नहीं आएगी। अच्छा ठीक है अब्दुल रहमान, जो भी है बस सुबह आ जाना। ओके, मैं कल आ जाऊंगा। चलो घर चले, शाम हो गई है, बहुत देर हो गई है। जी अब चलते हैं, हम सुबह मिलेंगे एक दूसरे को। चलो चलो अब जल्दी से घर चले। वाह, मैं सबसे पहले आया हूँ। चलो फिर यहाँ बैठ के वेट कर लेता हूँ सबका। अब जितनी जल्दी आएंगे सब उतनी जल्दी हमारा मैच शुरू होगा। मैं आ गई मैच खेलने। ओ असदुल्ला, आप भी यहाँ पर हो? मेहरू, मैं सबसे पहले आया था, आप लेट हो गई हो। कहाँ लेट हुई हूँ, सेकंड आई हूँ मैं। फर्स्ट तो नहीं आई ना? आ गई। वाओ, मरवा भी आ गई। बस अब अब्दुल रहमान रह गया है। अब्दुल रहमान आएगा ना तो हम खेल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फुटबॉल तो अब्दुल रहमान के पास है। आ जाओ फिर, वहाँ बैठ के अब्दुल रहमान का वेट करते हैं। चलो ठीक है। सब आ गए हैं, अभी तक अब्दुल रहमान नहीं आया। अब पता नहीं अब्दुल रहमान कब आएगा। कल उसे कहा भी था कि टाइम पर आ जा रहा, हम लेट हो जाएंगे, लेकिन अब्दुल रहमान अभी तक नहीं आया। मुझे तो कल ही शक हो गया था, जैसे वो इतना डर डर के कह रहा था ना, अच्छा आ जाऊंगा, फिर मुझे पता लग गया था कि ये नहीं आने वाला। लेकिन अब हम क्या करें, हमने तो फुटबॉल मैच खेला था और फुटबॉल तो अब्दुल रहमान के पास है, वो तो अभी तक नहीं आया। क्या हम अपना प्लान कैंसिल कर दे? नहीं, कैंसिल नहीं करना। हम एक हफ्ते से प्लानिंग कर रहे हैं आज के दिन की, कैंसिल तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो फिर क्या करे असदुल्ला भाई? क्या सोच रहे हो असदुल्ला, बताओ अब हम क्या करें? करना क्या है, अब्दुल रहमान को लेके आते हैं जाके। क्या? लेकिन उसने तो कहा था मेरे घर मत आना, मैं खुद आ जाऊंगा। उसने कहा था मैं आऊंगा, लेकिन वो नहीं आया ना। नहीं। अब हम उसको उसके घर से लेने जाएंगे। लेकिन असदुल्ला, आपको उसके घर का तो पता है ना, क्योंकि हमें तो याद नहीं है। हाँ, मुझे उसके घर का पता है, बस आप दोनों मेरे साथ चलो। अब अगर आज के दिन की प्लानिंग कर ली है तो हम इसे कैंसिल नहीं होने देंगे। हाँ सही कह रहे हो असदुल्ला। चलो फिर चले। हाँ चलो चलते हैं। असदुल्ला भाई, क्या आपको पक्का अब्दुल रहमान के घर का पता है? हाँ पता है मुझे, बस इस तरफ चलो। जब पता नहीं होता घर का, तो बेल क्यों बजाते हो? आ जाते हैं सुबह सुबह घर की बेल देने। आज सबने मेरे घर की बेल देनी है? ऊपर से कहते हैं सॉरी। बड़े आए, तंग कर दिया सुबह से मुझे।
ये क्या हो रहा है इधर? क्या ये अब्दुल रहमान की मामा? घर तो यही वाला है, तो मामा भी यही होंगी। आपको पक्का पता ना कि घर ये वाला है? घर तो यही है पक्का। बस फिर असदुल्ला, हम दोनों तो नहीं जाएंगे। क्या कह रहे हो, मेरे साथ चलो आप दोनों। नहीं नहीं असदुल्ला, हम नहीं जाएंगे आगे, आप जाओगे बस। ये क्या बात हुई, आप दोनों मुझे अकेला छोड़ रहे हो? अच्छा फिर असदुल्ला, आप आगे जाओ, हम आपको यहाँ पर छुप के देखेंगे। ओहो, अगर कुछ होगा तो हम आपको लेने आएंगे, आप जाओ, कुछ नहीं होता। ओहो, होना क्या है, कुछ भी नहीं होगा, देखना अभी मैं जाऊँगा और अब्दुल रहमान को ले आऊँगा। हाँ तो ठीक है फिर असदुल्ला, जाओ जाओ, हम आपको यहाँ से देखेंगे, जाओ। देखना मैं अभी लाता हूँ अब्दुल रहमान को। ठीक है ठीक है। अब कौन आ गया? लगता वही डिलीवरी वाला होगा। कितनी बार समझाया कि रास्ता। आप कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये आंटी किसको बोल रहे हो? ओह नो, सॉरी आंटी, ओ मेरा मतलब सॉरी। अच्छा बताओ किसको मिलना? आंटी वो अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान? अब्दुल रहमान का तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ आप कौन हो? लगता सदर भाई और सार फ्रेंड्स बाहर लेने आ गए मुझे। आंटी मैं वो अब्दुल रहमान का दोस्त हूँ। फिर कहा था मैं मोइन को कि मुझे नहीं लेने आऊंगा तो सुपा को, अब इनको मामा से डांट पड़ेगी। मैं उसको लेने आया था, वो ना। अच्छा अच्छा, यानी कि आप ही वो दोस्त हो जिसने मेरे बेटे के दिमाग में ये खुराफाती सोच डाली हुई है। हाँ, हर वक्त अब्दुल रहमान उल्टे सीधे कामों में फंसा होता है, जरूर इसके पीछे आपका हाथ होगा, ऐसा ही है ना? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब्दुल रहमान का अच्छा वाला दोस्त हूँ। देखने से तो लगते नहीं हो अच्छे वाले दोस्त। अच्छे वाले दोस्त हो, अच्छी तरह से पता मुझे आजकल के बच्चों का, ये जो उल्टी सीधी सोच होती है ना सारी मेरे बेटे के दिमाग में आपने ही डाली हुई है, बहुत अच्छी तरह से पता मुझे। एक तो मेरा बेटा सारे पैसे घर से लेके जाता है और तुम जैसे दोस्तों को सारी चीजें खिलाता है, ऊपर से कह रहे हो अच्छे वाला दोस्त हो, लगते तो बिल्कुल नहीं हो। नहीं नहीं आंटी, सिर्फ वो नहीं हमें चीज खिलाता, हम भी उसे चीज खिलाते हैं, सच में, सही बात कह रहा हूँ। अच्छा खैर ये बताओ प्लान क्या है आज का? आंटी वो ना हमारा असल में फुटबॉल खेलने का प्लान था, और हमने सोचा था कि फुटबॉल के बाद एक छोटी सी पार्टी भी रख लेंगे। अच्छा तो जरूर वो पार्टी मेरे बेटे के पैसे से करनी होगी, है ना? Oh, no. और देखने से तो लगता नहीं है कि आपके पास फुटबॉल है, जरूर वो भी मेरे बेटे का फुटबॉल लेने आए होंगे, ऐसा ही है ना? ओ, नहीं नहीं आंटी, अब्दुल रहमान ने खुद कहा था कि वो फुटबॉल लेके आएगा। चलो मैं कह रही हूँ फौरन दौड़ो यहाँ से, कोई नहीं है अब्दुल रहमान और आज तो बिल्कुल नहीं आएगा। छुट्टी वाले दिन आ जाते हैं सुबह सुबह तंग करने, घर पे और कोई काम नहीं है, सोना नहीं होता क्या, सुबह सुबह आ जाते हो खेलने। जाने देना आंटी, एक ही तो दिन होता है खेलने का। अब जाते हो क्यों, उतारू जूती? प्लीज आंटी खेलने देना हमें। फिर आंटी बोले, रुक जा सा, रुक जा, अभी बताती हूँ। आंटी किसको बोले हैं? आंटी किसको बोले? आंटी किसको बोले? रुक जा सा, असदुल्ला भाई भागो। किसको बोले आंटी? ठहर जा सा, आंटी किसको बोले? अब आप दौड़ जाओ मेरे एरिया में आए तो। आ जाते हैं सुबह सुबह तंग करने। हाय ना, मुझे किसी ने सुना तो नहीं? मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सो नहीं रहे हो, अपनी माँ को बेवकूफ समझा हुआ क्या? चलो उठो, सब पता मुझे, क्या प्लानिंग करके आए हो अपने दोस्तों के साथ, अब यहाँ सोने का नाटक मत करो। जाओ, जाना नहीं है, कपड़े चेंज करो और जाओ। है मामा, मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ जाओ, जल्दी वापस आ जाना, लेकिन अपने दोस्तों को समझा देना नेक्स्ट टाइम संडे वाले दिन सुबह सुबह ना आ जाया करें। ये थैंक यू मामा, मैं जा रहा हूँ, बाय। आज तो अब्दुल रहमान की मामा से अच्छी खासी डांट पड़ी है। हाँ आप सही कह रहे हैं। हाय हाय, ऐसी फ्लाइंग चप्पल मेरे पास से होके गई थी, महरू यकीन कर सकती हो? ओह नो, मैं तो डर गई थी असदुल्ला भाई। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर वो हमें इतना डांट सकती हैं, तो वो अब्दुल रहमान का क्या हाल करती होंगी। लगता है आज की पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी फिर।
मैं आ गया खेलने। हमारा पागल है। मैंने कहा था ना कि मारूंगा, नेक्स्ट टाइम मेरे घर पे बेल ना देना, वरना आपको पता है कि क्या होगा। हाँ पता चल गया अच्छी तरह, अब आ जाया करो टाइम पे। चलो फिर मैच खेले। चलो चलो खेलते हैं खेलते हैं। फ्रेंड्स मामा जितने भी डांटे, मामा तो सबसे ज्यादा प्यार करती है। Hi friends, this is Sahresh and this is Lukman from Dubai. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर बताएं। And don't forget to like, share and subscribe to our channel. Take care, much love, Allah Hafiz. Bye.